दोस्तों, मैं अमनपाल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और हम आज डिस्कस करेंगे 15 नवंबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। जैसा कि हम एक कोट के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो आज का कोट है स्टैनली जी के द्वारा लिखा गया। इनकी हाल में भी मृत्यु हुई है और जितने भी आप अल्टीमेट कार्टून्स देखते हैं, मार्वल स्पाइडरमैन वगैरह और जो भी मार्वल की सीरीज देखते हैं, तो उसमें जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स थे तो इन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किए गए थे। तो इनका क्वेट है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास बहुत ज़्यादा पावर जब ही आ पाएगी जब आप बड़ी जिम्मेदारियों को निभाना सीख जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा इनका लॉजिक है कि यदि आप बड़ी जिम्मेदारी लेना सीख गए तो आपके पास बहुत जल्दी पावर आ जाएगी। तो आप भी जल्दी लेना जिम्मेदारी सीखो। वैसे आप बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभाते हो, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो नहीं कर पा रहे हैं वो ज़रूर करें। तो वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारे लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से टेस्ट सीरीज बनाई गई है जिसमें टोटल 24 टेस्ट हैं और ये सब मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। और इसके बारे में जो कुछ भी जानकारी है वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है ये टेस्ट सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे आज टोटल हैं 4 चैप्टर और 4 चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ये सभी चीज़ें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे, तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर। इसको देखो याद कैसे रख सकते हो, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कल मैंने बताया था कि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है बंगाल में रसगुल्ला डे। ठीक है, बंगाल में रसगुल्ला डे मनाया जाता है। तो यदि ज़्यादा स्वीट्स वगैरह या मीठा खा लो तो क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, 13 नवंबर को हमने वर्ल्ड काइंडनेस डे बनाया थे, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा? तो आरबीआई द्वारा 75 रुपीस का सिक्का जारी किया जाएगा। क्यों जारी किया जाएगा? क्योंकि 13 नवंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा अंडमान एंड निकोबार में फ्लैग होस्ट किया गया था, जिसकी 75 एनिवर्सरी 13 नवंबर 2018 को मनाई गई। तो इसी उपलक्ष्य में हम 75 रुपीस का सिक्का जारी करेंगे आरबीआई द्वारा। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर अभी हाल में ही उर्जित पटेल हैं। उच्च शिक्षा संकाय के लिए, संकाय इन द सेंस फैकल्टी, उच्च शिक्षा संकाय के लिए हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन से 2 योजना लागू की हैं? लीप, अर्पित, बोथ, डून। तो इसके लिए हमने किए हैं बोथ। भारत किस देश के साथ मिलकर इंद्र अभ्यास करेगा? तो भारत रशिया के साथ मिलकर इंद्र अभ्यास करेगा। और ये कहाँ पर करेगा? ये झांसी में करेगा, बाबनी छावनी में करेगा। ठीक है, बाबनी छावनी में करेगा। और इधर से हम स्टार्ट करते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो और शिंजो आबे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यूएसए की वॉशिंगटन डीसी और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। रशिया के हैं मॉस्को, इधर की कैपिटल है, और व्लादिमीर पुतिन इधर के प्रेसिडेंट हैं। और कनाडा के हैं जस्टिन ट्रूडो और ओटावा इधर की कैपिटल है। इधर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दी गई हैं जो कि हमारे भारत के द्वारा मिलकर की गई है सभी देशों के साथ, तो हम इधर पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडो कजाकिस्तान संयुक्त सेना अभ्यास जिसका नाम है काजिंद, तो देखो इसको याद रखो, ये हो गया KAZ कजाकिस्तान और IND इंडिया। इसको किर्गिस्तान के साथ कंफ्यूज मत करना, इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी मिक्स्ड अभ्यास काकाडू किया गया। रैपिड रेटिनेट एक्सरसाइज किसके साथ किया गया? यूक्रेन और नाटो के साथ। और इसी का एक बिल्कुल अपोजिट और इसी सेम बोल सकते हैं हम, सेम किसके द्वारा किया गया? वॉस्टॉक कहाँ पे किया गया? रशिया में किया गया। और नेक्स्ट, मैत्री अभ्यास इंडिया और थाईलैंड के द्वारा किया जाता है। हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना के द्वारा किया जाता है। अजय वॉरियर अभ्यास UK और इंडिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
भारत सरकार किसके लिए नया सूचकांक जारी करेगी? तो नया सूचकांक आएगा किसान के लिए। इधर कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स दिए हुए हैं। ई गवर्नेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 96। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 57। चाइल्ड लेबर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 113। एनवायरमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 177 और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में है 103। और इसमें टोटल शामिल की गई थी कंट्रियाँ 190। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, और आप सभी समझदार हैं तो आप देख सकते हैं कि इतनी कंट्रियों में हमारा नंबर इतना है। तो ये बहुत बैड न्यूज़ है कि हमारे देश में, जो कि कृषि प्रधान देश कहलाते हैं, और उसी देश में खाने की इतनी बड़ी समस्या है। इतना तो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में भी नहीं है जितना हमारे यहाँ है। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग थाली में उतना ही लिया करो अपनी प्लेट वगैरह में कि जितना ज़रूरी हो, फालतू वेस्ट मत किया करो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 38th इंटरनेशनल ट्रेड मेला कहाँ शुरू किया गया? अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेला कहाँ शुरू किया गया? तो ये न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में स्टार्ट हुआ है। यूनिसेफ इंडिया का यूथ एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसको हिमा दास को बनाया गया, और हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस भी कहते हैं। और ये किस राज्य से संबंधित है? ये असम की, और असम की भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी याद रखना। हिमा दास के लिए रिस्पेक्टफुल इमेज इधर पे लगाई गई है। यू डोंट नीड अ फेयरनेस क्रीम टू अचीव योर ड्रीम। देखो, हिमा दास को आप लोग ने शायद देखा होगा, तो वो ज़्यादा फेयर वगैरह नहीं है, बट उसकी सफलता है कि वो एशियाई में गोल्ड लेके एशिया गेम में वो गोल्ड मेडल जीती है, और फिनलैंड में जो रेस हुई थी उसमें भी उसने गोल्ड मेडल जीती है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है। तो आप लोग का, जैसा आप लोग कभी सोच भी लेते हो या कभी सोचते भी हो, किसी दूसरों को देख के यदि आपको लगता भी होगा कि वो ब्लैक है, वाइट है, जो भी है, मैं उस कंटेस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ, मैं ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि आपकी नॉलेज और आपका इसके लिए आपकी सफलता दिलाता है, आपका हार्डवर्क ही आपकी सफलता निश्चित करता है, ना कि आपका शरीर, ना ही आपका कलर। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया स्टैटिक जी के। तो कोपरा, वियना और वियरना, ये एक्चुअली वियरना है, वियरना किस नदी प्रणाली की नदी है? केन, नर्मदा, बेतवा, चंबल। तो ये केन की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा निर्धारण किस नदी के माध्यम से किया जाता है? तो आंसर है इसका जामनी नदी। और जस्ट मिनट, मैं इसको समझा देता हूँ। ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का नॉर्थ साइड। तो इधर से हमारी निकलती है, देखो, चंबल। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंबल राजस्थान से निकलने के बाद जब सेकंड टाइम मध्य प्रदेश में एंटर कर जाती है, ये एक्चुअली ऐसे होती है, ये नहीं है, ये तो ये ऐसे जब एंटर कर जाती है तो लोगों को लगता है कि ये डिसाइड कर रही है, बट ये नहीं कर रही होती है। तो हमारी सीमा कौन निर्धारण करता है? जो सागर और दमोह के मध्य से एक सहायक नदी निकलती है नर्मदा की, वो इधर से फ्लो करते 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 चंबल में आखिरकार मिलती है ये, पर बाद में मिलती है। तो ये हमारी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा निर्धारण करती है, याद रखना, जामनी नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? तो अलग से शो हो रहा है, छोटा नागपुर का पठार नहीं है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में। छोटा नागपुर के पठार के लिए मैं एक चीज बता दूं, ये बीच से इधर पे फ्लो करती है दामोदर रिवर, और दामोदर रिवर के ऊपर साइड के हिस्से को बोला जाता है हजीरा बाग प्लेटू, ओके, और नीचे वाले पोर्शन को बोला जाता है रांची प्लेटू। प्लेटू मीन्स पठार, ठीक है। रांची से एमएस धोनी है, वो उनका होम टाउन है, और ये याद रखना, दामोदर रिवर निकलती है। दामोदर रिवर का एक अन्य नाम है जिसको बंगाल में कुछ अन्य नाम से पुकारा जाता है। तो क्या बता सकते हो कि जैसे बिहार का शोक कोसी है,
तो बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है? मैकाल पर्वत पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत है और इसलिए इसको कहा जाता है। देखो ये हमारा विंध्याचल पर्वत रेंज एंड देन ये हमारा है नर्मदा फ्लो कर रही है इधर पे रिफ्ट वैली में और ये हमारा है सतपुड़ा मैकल रेंज। तो हमारा क्वेश्चन है मैकल पर्वत पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत है, तो इधर से कौन कौन सी तीन इंपॉर्टेंट नदी निकलती है? नर्मदा, सोन, जोहिला, तो इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है वाटर शेड। नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनीय थी? तो आंसर है पाली ग्रंथ। और मत्स्य पुराण किसके द्वारा लिखा गया था? मत्स्य पुराण लिखा गया था आंध्र सातवाहन के द्वारा और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। विष्णु पुराण किसके द्वारा लिखवाया किस काल में लिखवाया गया था? तो ये था मौर्य युगीन काल में लिखवाया गया था और इनकी राजधानी थी मगध। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया? तो औरंगजेब। औरंगजेब जब 1707 में इसकी डेथ हुई थी 1707 में, तो उसके बाद मराठाओं ने अपना कब्जा कर लिया था। और एक मूवी भी आपने देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो जो मस्तानी है वो बुंदेलखंड की होती है, राजा छत्रसाल के परिवार वाली रहती है वो, और उसी के माध्यम से इधर पे फिर वो बाजीराव आके इधर पे अपना सत्ता स्थापित कर लेता और वो एक बुंदेलखंड में छोटी छोटी अपने मराठाएँ रियासतें बनाने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चंदेल वंश की पहली राजधानी थी? तो चंदेल वंश की पहली राजधानी थी खुजराहो। खुजराहो किस नदी के किनारे आप क्या बता सकते हैं? ये खुजराहो और इधर से कौन सी नदी बह रही है? महाराजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे? तो महाराजा छत्रसाल, जैसा कि मैंने बताया कि मस्तानी किस परिवार की थी, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से थे और छत्रसाल के द्वारा ही एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था ओरछा में, जो कि बेतवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखते हैं, और बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। किस कंटेस्ट में कहते हैं? पॉल्यूशन के कंटेस्ट में। नेक्स्ट, नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित कराया गया था? तो यह है कीर्तिपाल। यस्टरडे आंसर हम देख लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बार बार इस पर बहुत जोर दे रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार मैंने इसको दिया हूँ। तो बुक इमोरल्स ऑफ मेहुला लिखी गई है अमीश त्रिपाठी द्वारा। आंचल ठाकुर किस खेल से संबंधित है? आंचल ठाकुर स्कीइंग से। स्कीइंग वो बर्फ़ में जो दो रॉड लेके स्कीइंग करते हैं उसको बोलते हैं स्कीइंग। सोमशिला डैम किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश। फुगदी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा। बुक इंडिया 2017 ईयर किसके द्वारा लिखी गई? राजीव महर्षि। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, अभी बन रही है, अभी बनी नहीं है। गोवा की राजधानी है पणजी। राजीव महर्षि बता सकते हैं आप कौन है? ये एक बहुत महान ऑफिसर हैं और बहुत बड़ा डिपार्टमेंट इनके पास है, तो कमेंट करिए राजीव महर्षि कौन है। आज के क्वेश्चन हम देखते हैं कि आज के आपके लिए क्वेश्चन क्या है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? मणि महेश झील किस राज्य में है? बुक द गोल्डन हाउस किसके द्वारा लिखी गई है? बद्रीनाथ और केदारनाथ किस नदी के किनारे हैं? और एक काम आप लोग करो कि जब ये क्वेश्चन आते हैं तो इधर वीडियो पॉज कर लो और इन पांचों का आंसर आप पहले खुद देखो कि आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, देन आप इस पर रिसर्च करो। जो भी आप जैसे भी रिसर्च करते हैं, जो भी चीज़ों का संसाधनों का प्रयोग करते हैं, और आप खुद का अपना एनालाइज करो कि 5 में से आपको कितने मिल रहे हैं। 4 मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं, 0 मिल रहे हैं। 0 भी मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, 0 हूँ, 0 पे सवार हूँ, आपने सुना होगा, तो कोई नहीं, बट आपने कोशिश तो किया। ठीक है, ये ज़रूरी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपने सुना होगा। तो
जीरो भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करके बताओ मुझे, पर मैं ये बोल रहा हूँ ज़रूर कि आप अपना एनालाइज खुद किया करो कि वीडियो पॉज करके कि आप में से ये 5 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, यदि 5 में से 3 है तो बेटर है, बहुत अच्छी बात है, और 3 से नीचे है तो आपको तैयारी करने की और ज़रूरत है, और आप तैयारी करें, थोड़ा और हार्डवर्क की ज़रूरत है, ठीक है। ये मेरे द्वारा रेटिंग दी गई है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये हमारा 4th चैप्टर और लास्ट चैप्टर है, तो हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इंडिया किस किस में है और किस किस में नहीं है, और वो ग्रुप क्या क्या करते हैं। तो इधर कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। सार्क ग्रुप, सार्क ग्रुप में है 8 कंट्रीज, ठीक है, लिखा गया है। और ब्रिक्स में है 5, और ब्रिक्स का इस बार का सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हुआ था साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में, और अगला कहाँ होगा नेक्स्ट, तो ब्राज़ील। तो अच्छा, इधर पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि देखो, ब्रिक्स जो है बी से हो जाता है ब्राज़ील, आर से हो जाता है रशिया, आई से हो जाता है इंडिया, सी से हो जाता है चाइना, और एस से हो जाता है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये मिलकर बन जाता है ब्रिक्स, ठीक है। कॉमनवेल्थ नेशन ग्रुप, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे इस बार, ये हुए थे ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में, ठीक है। G20 ग्रुप, बिम्सटेक ग्रुप, मैकोंग गंगा कॉरपोरेशन ग्रुप, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ग्रुप, नॉन अलाइंड मूवमेंट ग्रुप, तो इसको NAM भी बोला जाता है, और ये योगोस्लाविया और इंडिया, ये 2 कंट्रीज़ इनके द्वारा मिलकर बनाया गया था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और जॉन रिक बोस जो वहाँ के PM थे तत्कालिक, उनके द्वारा मिलकर ये NAM बनाया गया था। इसमें टोटल 120 कंट्री हैं, और इसको नाटो के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना NAM को। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गंगा इंडिया की रिवर है, मैकोंग कहाँ की रिवर है, क्या आप बता सकते हैं मैकोंग कहाँ की रिवर है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये 4 से 5 कंट्रीज से होके निकलती है, बहुत लंबी रिवर है, ठीक है, तो इसको बता दूँ। और एशिया की 7th नंबर की ये लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक। नेक्स्ट, IBSA ग्रुप, तो इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका के द्वारा बनाया गया, और एक ग्रुप है 3S, ये भी याद रखो। तो इसमें कौन कौन शामिल है, जर्मनी शामिल है, जापान शामिल है, और इंडिया शामिल है। और ये क्या चाहते हैं, जो UNO की सिक्योरिटी काउंसिल है UNSC, उसमें शामिल होना ये चाहते हैं। अभी UNSC में कितने मेंबर हैं, तो UNSC में हैं अभी 5, ठीक है। 5 कौन कौन से, अब वो आप लोग सर्च करो, वीडियो लेंथ बढ़ जाती है तो फिर कमेंट आने लगते हैं मुझे कि सर वीडियो शॉर्ट करो, ठीक है। ज़रूरी भी है कि आप लोग इस पे रिसर्च करो, मैं बता दूंगा इधर पे, आप लोग सुन लेंगे तो ठीक है, याद तो रहेगी चीज़ें, पर इतनी जल्दी नहीं होती जब तक आप देख ना लो उस चीज़ को। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद इस पे रिसर्च करो, और ये नाम है, भले ही आप इधर से नाम उठा के कैरी कर सकते हो, और उस पर थोड़ा उस पर टाइम दो, 1-2 मिनट, कि ये ग्रुप है क्या, क्या करता है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये वगैरह वगैरह चीज़ आप इसमें देखो, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट ग्रुप, इधर अभी आज और यस्टरडे, मतलब टुडे एंड यस्टरडे, इधर पर मीटिंग हो रही है, और हमारे जो PM साहब हैं वो इधर पर पार्ट लेने गए हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2016 में इंडिया इसका मेंबर बना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया का पार्ट बना 2017 में। MTCR ग्रुप, मिसाइल ट्रेनिंग कंट्रोल रिगमी, ठीक है ना, सॉरी, मिसाइल टेक्निक्स कंट्रोल रिगमी, ये ग्रुप इंडिया कब बना इसका मेंबर, 2017। तो ये काम क्या करता है इसको मैं बता देता हूँ, जो भी हम मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे अभी हम इसराइल के साथ मिलके बराक बना रहे हैं, बराक, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ, हम बराक
बराक इन्वेंशन कर रहे हैं, और तो शायद इसमें इसराइल भी है, अफगानिस्तान भी है और इंडिया भी है। ये तीन कंट्रियों के द्वारा मिलकर बराक का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वोसिनार अरेंजमेंट ग्रुप क्या है। तो जो भी हम आर्म्स वगैरह हैं हम उसकी सप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो कि इंडिया में ऑर्डनेंस फैक्ट्रियां हैं, पर जो भी हम वहाँ पे निर्मित करते हैं चीज़ें, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पे चीज़, तो उसका उपयोग हम ही कर सकते हैं। तो हमें उससे तो फ़ायदा तो है कि हमारी सिक्योरिटी अच्छी होती है उससे, बट जो मतलब आप यदि हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने हथियारों को बेचेंगे तो उससे हमें मिलेगा डॉलर, और डॉलर को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए और क्रूड ऑयल वगैरह ख़रीदने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो इंडिया कौन सी कंट्रीज़ का मेंबर नहीं है? तो नाटो का नहीं है, ओपेक का नहीं है, OPODR का नहीं है, G7 का नहीं है, यूरोपियन यूनियन का नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। उप्स, तो वीडियो को लाइक करें, यदि पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, एंड कमेंट जो भी आपसे पूछा गया है उसका कमेंट करें बिल्कुल, और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं।